लवली गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप सब अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अभी हम लोग मम्मी के घर से आ गए हैं और बस अभी फटाफट से मैंने काम वाम करा जो भी घर का था, और अभी मैं नहा ली हूँ। बस चेरी को सुला दिया है मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना वो चिड़चिड़ सी हो रही थी क्योंकि सुबह जल्दी उठ गई थी ना। एक्चुअली मैं इसकी नींद जिस दिन पूरी नहीं होती ना उस दिन थोड़ा सा चिड़चिड़ा जाती है, और बस अभी मैंने इसको सुला दिया है। और हस्बैंड और मैं हम दोनों तो नहा लिए हैं और हस्बैंड ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और आज ब्रेकफास्ट हमने बाहर से मंगवाया, तो यहाँ पे पुरानी दिल्ली की जो फेमस है ना सबसे ज़्यादा वो है बेड़मी, जो मैं आपको दिखाती हूँ। बेड़मी जो है ये दाल की बनी होती है, इसके साथ में आलू की सब्ज़ी होती है और अचार जो होता है ना, मतलब अचार की फॉर्म में ही होता है ये जो खाने के लिए मिलता है। गाजर होती है, बहुत खट्टी मीठी टेस्टी, और साथ में उसके और भी कुछ मैंने मंगाया वो दिखाती हूँ। तो ये मंगाया है हमने बेड़मी, जो कि दाल की है ये, और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, और मतलब देख रहे हो ना आप कितनी सॉफ्ट है और गरम गरम है। ये बेड़मी यहाँ की बहुत फेमस है पुरानी दिल्ली की, और इसके साथ में ये आलू की सब्ज़ी मिलती है, देख रहे हो आप, हरी मिर्च वगैरह डाल के। और ये जो है ना अचार, बहुत बढ़िया अचार है। मतलब है तो ये सिर्फ सिंपल गाजर, पर मतलब मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि इसको किस में डिप करा हुआ होता है, बट इसके अंदर फ्लेवर जो आता है ना वो आता है अचार जैसा। तो ये हम अभी जो है ब्रेकफास्ट कर रहे हैं मम्मी के घर से आकर के। बहुत तेज़ भूख लग रही थी, मम्मी ने भी हालांकि चाय वाय पिला दिया था, पर ब्रेकफास्ट वही था यार, नहाने के बाद करना ज़रूरी है, तो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और इसके साथ में हमने मंगाया है ये हलवा नगोरी, इसे नगोरी कहते हैं एक्चुअली, होती तो ये मट्ठी जैसी है, पर देख रहे हो आप इसकी शेप थोड़ी सी गोलगप्पे टाइप की लग रही होगी आपको, पानी पूरी टाइप की। और इसके अंदर पता है कैसे हम खाते हैं इसको, इसको ऐसे करा, और यहाँ पे ये भी बहुत फेमस है पुरानी दिल्ली की, इसको ऐसे फोड़ते हैं और इसके अंदर जो स्टफिंग करते हैं ना वो ऐसे करते हैं। हलवा यहाँ से निकाला और इसके बीच में इसको डाला, जैसे गोलगप्पे के अंदर फिलिंग करते हैं ना हम लोग, कुछ इस तरह की होती है ये, के अंदर में हम हलवा भर के खाते हैं, और ये जा रही है सीधा मेरे मुँह में। क्रिस्पी, बहुत टेस्टी है यार, तब पुरानी दिल्ली आओगे ना ट्राई ज़रूर करना, बहुत बहुत टेस्टी है। और बेड़मी भी बहुत टेस्टी है यहाँ की। और ये मैं खा रही हूँ बेड़मी, बहुत सॉफ्ट है ये भी, बहुत लाइट है, मतलब ऐसी बेड़मी है ना मैंने पूरे दिल्ली एनसीआर में कहीं नहीं खाई है, सीरियसली ओल्ड दिल्ली की बहुत फेमस है ये। और ये गया मेरे मुँह में, और अभी हम लोग जो है तैयार हो चुके हैं। अभी आप सोच रहे होंगे इतना रेडी होके जा कर रहिए, तो यार हम लोग थोड़ा सा बस बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए, संडे है तो ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पर सब कुछ मतलब यू नो होती प्रॉब्लम ना हो, कहीं पर भी ऐसा क्राउडेड प्लेस ना हो। और हम तीनों जा रहे हैं, चेरी मैं और मेरे हस्बैंड, और बस हम निकलते हैं। कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी बस निकलने के लिए हम रेडी हो गए, घर में कुछ करने को था नहीं और जल्दी भी फ्री हो गई थी मैं, तो निकलते हैं हम लोग। और बस यहाँ से हमने अपने जो ओल्ड दिल्ली है वहाँ पर हमारी जो कैब हमने बुक करी थी वो हमारे एरिया में ही आ गई थी कैब, और हमने सोचा चलो आज संडे है तो काफ़ी मतलब जगह मिल जाएगी निकलने की आराम से। पर जो भैया थे ना उनको रिवर्स करने में इतनी मुश्किल हुई, बहुत ज़्यादा मतलब संडे के दिन भी बहुत क्राउड था, और चेरी भी परेशान हो रही थी, चेरी अपनी डायरेक्शंस बता रही यहाँ, मतलब चेरी वो भी ऐसा लग रहा था उसको कि कहाँ पे फंस गई मैं, मम्मी पापा क्या कर रहे हैं यार, कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे। और फाइनली हमारी कैब सक्सेसफुली निकल चुकी थी और हम लोग पहुंच गए थे यहाँ से अपने डेस्टिनेशन की तरफ जहाँ हमें जाना था। और ये पहाड़गंज का पुल है जहाँ से यू नो आप मतलब ट्रेन्स वगैरह दिखती हैं, और ये बाय द वे मेरे हस्बैंड स्कूल से पढ़े हैं सेंटन थनी में, और यहाँ पर इनकी नानी का ही घर है आसपास में।
और बस कुछ ही मीलों का सफ़र दूर करते ही हम लोग पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पर, जो कि ये आपको मैं लेकर आई हूँ दिखाने के लिए। ये है पैसिफिक मॉल, जो कि वेस्ट दिल्ली का सबसे बेस्ट मॉल है और आई थिंक सबसे बड़ा मॉल भी है यार। मतलब देख रहे हो आप, यहाँ पर हर संडे कुछ ना कुछ यूनिक होता है और ये लोगों ने पता नहीं क्या यहाँ पर लगा रखा था, किसी ब्रांड का एंडोर्स कर रहे थे शांतनु एंड जो भी है इनका। तो यहाँ पर ना फोटो सेशन हो रहा था और ये देखिए, ये पूरा जो है ना एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है DLF वालों का, मतलब जिन्होंने मॉल बनाया ना उन्हीं ने ये किसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, आई डोंट नो किस चीज़ का है ये। तो यहाँ पर ये भी सेट कर रखा था और बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था, काफ़ी लोग इसे देख रहे थे और अच्छा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। बस हम लोग जो था मॉल के अंदर एंटर करते ही अब ये एस्केलेटर्स हम लोगों ने ले लिया था, इलेक्ट्रिक जो स्टेयर्स होती हैं उस पर हम लोग चढ़े थे और चैरी है ना सबको ऐसे देख रही थी कि पता नहीं यार ये इतनी भीड़ और इतने सारे लोग कहाँ से, क्योंकि है ना काफ़ी टाइम बाद निकली है ये, हम इसको ज़्यादा इतना ले जाते नहीं हैं, लास्ट वीक लेके गए थे और अभी लेके गए हैं। जब से ये हुई है ना तब से इसको इतना मतलब हम लोग अवॉइड करते हैं ना कहीं पर भी ले जाने से, पर वही था यार संडे था तो हमने सोचा चलो आज ले जाते हैं, थोड़ा सा इसके लिए सामान भी लेना था जो इसको ले जाना ज़रूरी था। और यहाँ पर ये देखो कितने सारे आउटलेट्स हैं यार, मतलब बहुत सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये देखो हैंडमेड कैटल, हैंडमेड बैग्स जो होते हैं यहाँ पर काफ़ी कुछ अवेलेबल है, इतने सारे आउटलेट्स हैं ना यहाँ पर। और ईटिंग जॉइंट्स भी यहाँ पर बहुत सारे हैं, फूड जॉइंट्स जो हैं, और हम लोग शादी से पहले भी कई बार आए हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, मतलब जब हम रिलेशनशिप में थे बहुत बार, बहुत बहुत बार। और ये सबसे बढ़िया मॉल लगता है मुझे। और इसके देखो थर्ड फ्लोर पर है ना सिनेमा ने PVR भी है, और उसी के बगल अगल बगल में ना काफ़ी सारे वही ईटिंग जॉइंट्स मैंने आपको बताया, इतने सारे फूड आउटलेट्स हैं। और बस हम लोग अभी यहाँ पे क्यू में लग गए थे, एक्चुअली यहाँ क्यू सिस्टम हो रहा था, अभी क्यू सिस्टम हो गया था कोरोना की वजह से, तो यहाँ पर है ना मतलब चार चार पाँच पाँच करके लोगों को अंदर भेज रहे थे, क्योंकि यहाँ सीट का इशू रहता है थोड़ा सा, तो क्योंकि ओपन रूफ में भी है बाहर और अंदर भी है, तो अंदर में क्या होता है ना लोग अंदर का ही प्रेफर करते हैं, गर्मी में कौन जाएगा बाहर, अंदर AC भी है, अपने कंफर्टेबली बैठो और दो सीटिंग अरेंजमेंट भी है, चार के हिसाब से भी है, फैमिली के हिसाब से। यहाँ सब लाइन में लगे हुए थे और हम लोग भी लाइन में लग गए थे कि चलो जब हमारा नंबर आएगा तो विश सीट मिल जाए। और हम लोग बस ये नीचे का देख रहे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ से व्यू। और देखो कितने ज़्यादा, इतने सारे लोग भी नहीं हैं, और वहाँ आप देख रहे हो ना बिल्कुल सामने नीचे बेसमेंट में भी बहुत सारे आउटलेट्स हैं जहाँ पे लोग जा रहे थे, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, और वहाँ पे भी काफ़ी सारे फूड जॉइंट्स हैं और काफ़ी मज़ा आ रहा था। फाइनली हमें सीट मिल गई और ऐसा लग रहा था यार जैसे जन्नत नसीब हो गई। और हमने यहाँ पे खाने में जो ऑर्डर करा था ये था पनीर सिजलर्स, देख रहे हो आप ये सिजलर्स जो है ना एक्चुअली ये कैबेज के ऊपर यहाँ पे चावल और उसके ऊपर काफ़ी सारी यू नो ग्रेवी वगैरह डाल करके और इसका स्मोक सा निकलता है इसके अंदर में, और ये सिजलर्स यहाँ के बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा और टेस्टी भी बहुत लगते हैं, तो हमने एक ये ऑर्डर करा था। इसके अलावा यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो थे रोल्स लेकर आए थे, ये भी पनीर रोल्स थे तो ये ऑल दो वही जो फ्रेंकी होते हैं वही उसी तरह के थे, पर बहुत टेस्टी थे ये भी। तो हमने यहाँ पर जो आउटलेट जो भी फूड जॉइंट है वहाँ से हम लोगों ने बाइक मतलब लिया था, हस्बैंड लेकर आए, और हमने AC से अपना लंच करा था, मतलब बड़ा अच्छा लग रहा था देखने में भी। और सिजलर्स तो मुझे बहुत ही पसंद है, ऑल दो ये बहुत गर्म गर्म होते हैं, एकदम गर्म गर्म मुँह में नहीं खाए जाते, पर टेस्टी बहुत होते हैं, ट्राई करना है अगर आप लोग कभी आते हो तो। और बस हम लोग भी इंजॉय करते हैं अपना मील। चेरी ने इतना परेशान कर दिया था, मतलब खाना खाते खाते हम लोगों को लंच करते करते, हाँ तो मैंने अपने हस्बैंड को फिर वहाँ ज्ञानीस के पास भेज दिया कि जा कर के इसके लिए कुछ आइसक्रीम कोन ले आओ, पर कोन तो नहीं मिला, वो बेचारे आइसक्रीम कोन पूरा आइसक्रीम के साथ ही लेकर आ गए थे, क्योंकि यार बहुत रश था, बहुत ज़्यादा एकदम भीड़ सी बढ़ गई थी। और ये देखो ये लेकर आए आइसक्रीम कोन जो कि मैंने खाया। और यहाँ पर ये चेरी जो थी ना ये कुछ नहीं खाती है, ये बस मस्ती में रहती है, और ये देखो अपने पापा के साथ में कैसे वॉक करती हुई मम्मा मम्मा करती हुई आ रही है। और यहाँ पर अभी मैं चेरी के लिए कुछ ना शूज़ वगैरह देख रही थी या डेली वेयर के अगर कुछ मिल जाता, पर समझ नहीं आ रहा था क्या लूँ क्या ना लूँ, जो अच्छे लग रहे थे वो छोटे साइज़ के थे, जो ऐसे ही थे ना वो बड़े बड़े साइज़ के मिल रहे थे, कुछ समझ नहीं आया। पर शूज़ मिले या ना मिले पर चेरी को एक उसकी कंपेनियन मिल गई थी जो उसको इतना प्यार कर रही थी बार बार, उसको इतना मतलब क्या वो कर रही थी ना बार बार, उसको लग रहा था बस मुझे गोदी में दे दो, उसको इतनी क्यूट बेबी है, खुद भी इतनी छोटी थी वो और चेरी को इतना प्यार कर रही थी बार बार आकर के बस।
चेरी कहाँ जाना है आपने? घूमे घूमे जाना है। देखो क्या कह रहे बाबा, सुनो चेरी कम हेयर नो। और खाना वाना खाकर हम मॉल के बाहर बैठे ही थे। यहाँ पर काफ़ी स्पेशियस जगह है, तो ये बाबा जी जो है ना चेरी को बहुत देर से देख रहे थे, खूब मस्ती कर रही थी, इसको काफ़ी प्यार कर रहे थे। और हम जैसे ही चेरी को पकड़ के ला रहे थे ना इसके पापा और हम, तो उन्होंने बस ये बोला कि बेटा अभी इनकी खेलने की उम्र है, अभी तो ये बहुत छोटी है, इसको फ्रीडम दो, इसको इंजॉय करने दो, आगे पढ़ाई का बोझ आएगा इसके ऊपर, इसके बाद जॉब का बोझ, तो मतलब काफ़ी इसको है ना जहाँ पे भी जाती है ना सबके टेंशन गेन कर लेती है ये। और बाबा जी ने इसको खूब आशीर्वाद दिया, खूब प्यार करा, पर ये जो थी ना मैडम मस्ती में लगी हुई थी कि मौसम इतना अच्छा हो रहा था और इसको स्पेस मिल गया, तो बस इसका रुकने का नाम ही नहीं था। कभी इसके पापा जाते, कभी मैप पकड़ने जाती, और पूरी पूरी इसको वहाँ पर जो था ना बस खेलने का फ्रीडम मिल रही थी और खूब इंजॉय कर रही थी चेरी भी। और बस हम लोग खाना वाना खाकर थोड़ी देर बैठकर बाहर निकल चुके थे अपने घर के लिए। और ना कैब करने में इतनी मुश्किल हो रही थी, नेट इशू, ऊपर से आंधी इतनी तेज़ आ रही थी, मौसम ऐसे मतलब चेंज हो गया ना बिल्कुल, बहुत डर सा लग रहा था कि तेज़ आंधी तूफान उससे लग रहा था। और वही था, रात का टाइम होने वाला था, 7 बजने वाले थे, तो हमने कहा जल्दी निकल चलते हैं क्योंकि 6:30 हो चुके थे। फटाफट हम लोगों ने यू नो ऑटो लिया वहाँ से और बस निकल गए थे हम लोग घर के लिए। और यहाँ पर अभी मैं आपको करोल बाग के जो फेमस हनुमान जी का मंदिर है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जो काफ़ी मूवीज़ में आप लोगों ने देखा होगा। बहुत बहुत मान्यता है इस मंदिर की और बहुत ही फेमस मंदिर है। ये देखिए हनुमान जी की इतनी विशाल सी, जो बड़ी सी आपको दिख रही है ना ये मूर्ति, मेट्रो से तो बहुत क्लियर दिखता है यहाँ से मंदिर। और बस ओवरऑल डे हमारा इसी तरह से निकला, बहुत मज़ा आया, बहुत बहुत इंजॉय करा आज का दिन। और बस अभी हम लोग घर पर आ चुके हैं और इस टाइम में बहुत बहुत थक गए हैं सीरियसली। एक्चुअली में क्या हुआ था ना, हम लोग वहाँ से सीधा अपनी मम्मी के घर, मैं अपनी चली गई थी, तो मम्मी के घर की मैंने वीडियो शूट नहीं करी, वो मैं फिर किसी दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बस अभी यार बहुत बहुत थक गई हूँ और वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक दे देना, शेयर करना चाहते हैं फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, रिलेटेड कुछ कमेंट करना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर न्यू है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा बाय हिटिंग बेल आइकन, सो दैट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मेरी अपडेटेड वीडियोज़ मिलती रहे और आप हमसे कनेक्टेड रहो। और वीडियो को यहीं पर एंड करते हुए with you next vlog ke saath mein, till then bye bye, take care, good night, sweet dreams, stay home, stay safe, bye bye.